वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 9वीं वर्ग की मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पेश करने जा रहा हूं, जो 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो जिसे p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहाँ p का मान शून्य हो सकता है लेकिन q जो है शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसमें परिमेय संख्या जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो 3 परिमेय है, 1/3 परिमेय, 16 का 4 हो जाएगा वर्गमूल, ये भी परिमेय हो जाएगा लेकिन 1/√3, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न हमारा है पाई क्या है? तो पाई, व्हाट इज़ पाई? तो पाई हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, 36/100 का दशमलव प्रसार है। तो 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 100 से भाग देने पर 36, एक निश्चित बिंदु के बाद, निश्चित दशमलव के बाद या निश्चित अंक के बाद इसकी कट जाता है, इसलिए यह शांत है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन 5 + √5 × √5 − √5 के बराबर है? तो इसका उत्तर जो 5² = 25, 25 में से 5 चला जाएगा तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 20। इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच है? तो जब किसी संख्या के परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालते हैं, तो a + b/2, तो 4 × 3 = 7/2, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 7/2। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन एक चर का बहुपद है? तो चर बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे चर रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर मान का घात एक अपूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है ये पूर्ण संख्या है चर का घात का, इसमें जो है जो अंग्रेजी अक्षर रूट में, इसमें अंग्रेजी अक्षर बट्टा में है, इसमें भी अंग्रेजी अक्षर बट्टा में, इसलिए तीनों नहीं होंगे लेकिन एक जो है बहुपद होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन बहुपद है? तो इसी प्रकार इसमें जो हमारा बहुपद होगा ये हो जाएगा x² + x + 2। यदि x = 0 तो 5x − 4x² + 3 का मान है, इसका मान, x का मान अगर 0 रखेंगे तो 5x ये भी 0 हो जाएगा, 4x² ये भी 0, तो केवल 3 मान होगा इसका उत्तर। इसमें 3x² + x − 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल, तो x + 1 = 0 होता है, तो x का मान -1 होगा। -1 को जो इसमें पुट करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। y² − 5y + 6 का गुणनखंड जब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको y − 2 ऑफ y − 3 प्राप्त होता है। इसका अगला प्रश्न हमारा है, x − 1 = 0 रखेंगे तो x का मान हमको 1 प्राप्त होगा, 1 को हम इसमें पुट करेंगे तो x² = 1 और x = 1 हो जाएगा, लेकिन = 0 रखेंगे तो इसका मान हमको -2 प्राप्त होगा। y = 3x + 5 एक का हल है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका उत्तर हमको ये मिलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। 2x + 3y = 4, तो +4 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -4 हो जाएगा, तो इसका मान हमारा उत्तर जो है 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, समीकरण x + 2y = 6 का हल है, तो इसका जब यदि y का मान हम रखते हैं तो x का मान प्राप्त हो जाना चाहिए, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 4, कि y का मान 1 रखते हैं तो x का मान 4 हो जाएगा। x और y अक्ष के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो इसको मूल बिंदु कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं, x अक्ष को कहते हैं, तो x अक्ष या x निर्देशांक को भुज या अक्षिका कहते हैं, और वाई एच को ऑर्डिनेट या कोटि कहते हैं, तो भुज हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है,
आकृति में पी का निर्देशांक है, तो पी हमारा एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 2, 3। अगला प्रश्न हमारा है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी? इसका उत्तर हमको बराबर हो जाएगा पूरक कोण। तो पूरक कोण हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें पूरक कोण 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 प्राप्त होगा। 60 का संपूरक कोण, यदि दो कोणों का माप 180 डिग्री तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो 180 में 60 घटाते हैं तो हमको 120 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे कहते हैं, उसको हम समकोण या राइट एंगल कहेंगे। तो इसका उत्तर हमको समकोण हो जाएगा। आकृति ए में ए वो भी एक रेखा है, बी वो सी का मान है, तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का मान हमको 5, 4, 9x, 9, 2, 18, तो 20 डिग्री आएगा। 20 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 80, तो इसका उत्तर हमारा 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, तो सर्वांगसम का अर्थ होता है सर्व अंग सम, जिसके सभी अंग बराबर हों उसी को हम सर्वांगसम कहते हैं। तो इसका उत्तर बराबर हो जाएगा। त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी पर कौन सी कसौटी सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर जो हमारा जगह साइड साइड एंगल। अगला प्रश्न हमारा है, एक त्रिभुज में बी सी इक्वल टू ए सी हो तो इसका मान क्या होगा? बी सी इक्वल टू ए बी हो, ए बी है, कौन बी 80 डिग्री, तो ए का मान क्या? तो ए का मान हमको 50 डिग्री प्राप्त होगा। तो इसका मान हमको 50 हो जाएगा। आयत के प्रत्येक कोण की माप होती है, तो आयत के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि ये एक चतुर्भुज के कोण 3:5 के तीन अनुपात 5:9:13 के अनुपात में इसके सबसे बड़ा कोण होगा। तो जब इसको जोड़ते हैं तो 3x को हम अनुपात को x मानेंगे, जोड़ने पर इसको 30x इक्वल टू 360, लास्ट में x बराबर 12 डिग्री आता है। 12 को हम अगर 13 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर जो आएगा 156 डिग्री आएगा। तो इसका सीधा सीधी जो सबसे बड़ा कोण आएगा 156 डिग्री। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है, तो सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त का होता है उसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर। वृत्त के एक चाप पर जीवा के बीच के भाग को क्या कहते हैं? उसको हम वृत्तखंड या सेगमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 42 सेंटीमीटर के 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका उत्तर हमारा 42 हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, आधार 3 लेंगे तो ऊंचाई 4 हो जाएगा, इसका कर्ण 5 हो जाएगा। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई अगर काटते हैं तो इसका उत्तर हमको 6 मिलता है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न हमारा है, एक घन का एक किनारा x है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² होता है। तो इसका उत्तर, भुजा हमको x दिया हुआ है तो x मतलब हो जाएगा यहाँ पर 4x². अगला प्रश्न हमारा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन, तो बेलन के आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इसका आयतन हो जाएगा πr²h। मिलान चिन्ह की बारंबारता, तो 5, 5, 10 और 2, 12। तो इसका उत्तर हमको सीधा सीधी टैली मार्क हमको 12 में प्राप्त होगा, मिलान चिन्ह 12 प्राप्त होगा, इसका उत्तर 12 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 15 और 25 को जोड़ते 40 आता है, 40 को हम 2 से भागा देते हैं तो 20 आता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता
शून्य होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक हो गया। आंकड़ा 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का भाव लगा, तो 3 इसमें 4 बार आई है, इसलिए उसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आज मैंने आपके समक्ष विज्ञान विषय, गणित विषय की, 40 प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्नों का समाधान बताया। आने वाले दिनों में और भी बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष रखे जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट पहुँचती रहे। धन्यवाद।